जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर काम। प्रभ सिमरन का मतलब होता है प्रभु की प्रशंसा, और आज इनकी प्रशंसा बहुत होने वाली। भाई 6 छक्के 10 चौके, शतक जड़ा अपने आईपीएल करियर का पहला, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फॉर्म को जारी रखा, एक लौते ऐसे बल्लेबाज, 167 में से 103 तो इन्होंने बना दिए। प्रभ सिमरन ना होते तो पंजाब फंस जाते। जी बिल्कुल, देखिए इसलिए आपने कहा 163 में से 100 से ज़्यादा रन में से 103 प्रभ सिमरन ने बनाए, तो फिर जाहिर है कि स्कोर कार्ड देखिए, प्रभ सिमरन 100 रन, सैम करन 20 रन, बाकी सब सिंगल डिजिट। जी तो इससे ही तो पता चलता है कि भाई अगर वो नहीं होते तो मामला बहुत काम तमाम हो जाता। भाई ऐसा है कि जो 3 इनफॉर्म बल्लेबाज रहे हैं पंजाब के, जिनका हमने जिक्र भी किया था, जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन, शिखर धवन, तीनों पावर प्ले में आउट हो चुके थे और 3 में से 2 खराब शॉट की वजह से आउट हुए थे। लेकिन पाजी प्रभ सिमरन कमाल का शॉट सिलेक्शन, मजा आ रहा था उनको देखकर। बिल्कुल, और उनको देखे तो पहली 30 गेंदें तो उनको ऐसा लग रहा था कि यार इतने स्लो क्यों खेल रहे हैं, क्या विकेट खराब है, क्या रुक रहा है, या स्पिन हो रहा है, या बॉल फंस रहा है, ये सब हम लोग सोच रहे थे। बट होता है कभी कभी 3 विकेट गिर गए हैं, तो आज उन्हें समझदारी वाला खेल खेला, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की है, क्योंकि अगर उस समय वो भी आउट हो जाते तो फिर हम सबकी प्रेडिक्शन भी फेल हो जाती। जब आपने जिक्र किया पहली 30 गेंदों में 27 रन और उसके बाद की 35 गेंदों में 76 रन, यानी कि गियर तो है इनके पास। बिल्कुल, और वो ये दर्शाता है कि इस विकेट पे जो सेट बल्लेबाज है ना वही मार सकता है, ऐसा नहीं कि आते ही कोई भी मार देगा। और सारे बड़े बड़े धोंधर आए सारे, लेकिन लगे किसी के नहीं, तो ये तो दर्शा दिया इस विकेट ने कि भाई आप इस पे रुकोगे, समय बिताओगे तो ही शॉट लगेंगे आपके। तो दिल्ली के लिए भी एक ये आंख खुल गई होंगी कि भाई सेट होके ही मारा जा सकता, आते ही मारेंगे तो शायद आउट हो जाए। अंटिल की ड्यू आ गई, बॉल गीला हो गया, बॉल अब स्किड करके आ रहा है, मस्त बैटिंग के लिए हो गया, तो बात अलग। अगर ड्यू नहीं आई तो अभी भी ग्रिप करेगी और अभी भी मुश्किल होगी रन बनाना, क्योंकि अगर पहले बल्लेबाजी करके रन बनाना मुश्किल है तो फिर दूसरी इनिंग में भी बल्लेबाजी करके रन बनाना मुश्किल होगा। एक चीज देखी वीरू, नहीं माइक टाइसन का नाम लिया, उसके बाद जिसने गियर बदला वो बुक्का मारा। गियर है इनके पास, गियर ऐसे कौन बदलता है, गियर गियर ऐसे ऐसे बदलता है, ऐसे कौन बदलता है गियर। ऊपर इनकी इनकी फीट है ना, वो पता नहीं मेरे हाइट से ऊपर ही आता है ऐसे। हाँ लेकिन सर सिमरन सर 6 छक्के 10 चौके तो चुन चुन कर सही गेंद पर बड़े शॉट लगाए, और ऐसे सतह पे वैसे ही खेलना था जैसे वीरू कह रहे थे कि सूझबूझ के खेला, पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक दूसरी छोर से विकेट गिर रहे थे तो उनको पता था कि हाँ मैं अब थोड़ा सेट हो गया हूँ, मैंने काफी गेंद खेल चुके, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाऊं। बड़े स्कोर यानी 160 इस पिच पे कंपेटिटिव हो सकता है, लेकिन विकेट निकालने पड़ेंगे। तो देखिए जो जिम्मेदारी ली ये हर क्रिकेटर को लेनी चाहिए, जब आपका दिन चल रहा है, आपको पता है कि आपके जो बाकी के जो टीममेट्स हैं उनका दिन नहीं चल रहा है, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं मैं अपने टीममेट्स के लिए करूंगा। आज वीरू के रन नहीं बन रहे, मैं रन बनाऊंगा, जब मेरे रन नहीं बन रहे वीरू बनाएगा, तो ये होनी चाहिए। और उन्होंने वैसे खेला तो देखिए प्रशंसा तो उनकी बहुत होगी। और प्रभ सिमरन की अगर सिर्फ बैटिंग की बात करें तो उन्होंने भी तो सीखा होगा ना कि अभी यार यशस्वी जायसवाल ने 100 बनाया, अभी सूर्य कुमार ने 100 बनाया, अगर मैं चलूंगा तो मैं भी 100 बनाऊं, क्योंकि 100 बनाने पे बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करते हैं, बहुत लोगों के आप नज़र में आ जाते हो, सिलेक्टरों की नज़र में आ जाते हो, क्योंकि जब कोई भी प्लेयर रन बनाया था 100 तो उसकी चर्चा ज़रूर होती है, उस दिन भी और अगले दिन भी और कई टाइम तक होती है। अगर ये मैच जीत गए तो क्रेडिट किसको जाएगा, सिर्फ प्रभ सिमरन को जाएगा कि अगर वो शतक नहीं बनाते तो शायद पंजाब जीतती नहीं, अगर वो क्वालिफाई करेंगे तो भी ये कहा जाएगा कि प्रभ सिमरन ने वो शतक बना के मैच जिताया था इस वजह से क्वालिफाई किए। तो ये इंपॉर्टेंट शतक है उनका, और अगर वो ऐसी सूझबूझ के साथ खेलते रहे तो उनका भी फ्यूचर ब्राइट है। एक अलग मैच नहीं भी जीता है ना तो आपको ये इनिंग ये पारी सबके मन में याद रहेगी। आपको याद है पॉल वलतार्टी ने 100 बनाया था, अब सबको पता है कि पॉल वलतार्टी ने 100 बनाया, और बाकी उसके फर्स्ट क्लास करियर में या लिस्ट ए करियर में जो भी किया हो किसी को पता नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये पारी जो उन्होंने 100 बनाए थे इससे याद है, अगर वही पारी 80 या 90 होते किसी के मन में याद नहीं होता, लेकिन 100 रन बनाया आईपीएल में इसलिए सबके मन में है। पहले शतक के बाद क्या बदलता है मेंटली, ये बिलीफ बढ़ जाती है, कुछ अनलॉक हो जाता है कि शतक बना लिया अब मैं इस लेवल पे बड़े कारनामे कर सकता हूँ, साइकोलॉजिकली कुछ बदलता है? देखिए बिल्कुल बदलता है, बैट्समैन की जो कॉन्फिडेंस होता है वो एकदम बहुत ज़्यादा आ जाता है, यार मैंने तो सेंचुरी मार दी। जब मुझे पहला मेरे ख्याल से तीसरा चौथा मैं वनडे खेला जिसमें मुझे मैन ऑफ द मैच मिला, मैंने 58 रन बनाए 3 विकेट लिए, उसके बाद मेरा ऐसा लग रहा था कि यार हाँ मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं यहाँ रन बना सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वो आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है।
वही शायद प्रभ सिमरन के साथ होगा कि यहाँ रन बनाकर वो कह सकते हैं कि मैं स्लो धीमी टर्निंग विकेट पे भी रन बना सकता हूँ और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आईपीएल के प्लेटफॉर्म पे भी रन बना सकता हूँ क्योंकि मैंने 100 रन बनाए और बड़ी सूझबूझ के साथ बनाए हैं, मेहनत करके बनाए हैं, 30 गेंदों पे 27 थे फिर बाकी 35 गेंदों पे बाकी रन बनाए, तो वो उनका जो आत्मविश्वास है वो आज सातवें आसमान पर होगा। अगर जीत गए और मैन ऑफ द मैच मिलते हैं उन्हें तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंस के साथ अगले मैच में आएंगे और दूसरी टीमें अब इनके बारे में सोचने लगेंगी कि प्रभ सिमरन चला तो उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है, उसको कैसे रोकना है, उस स्पिन को कैसे खेलता है, बाद में तेज गेंदबाज को कैसे खेलता है, उसकी प्लानिंग वो करके आएंगे।